हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेज है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पर मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। सो टिल नाउ वी हैव सीन हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर, एंड हाउ टू कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बाइनरी टू बेस 4, फ्रॉम बाइनरी टू बेस 8, फ्रॉम बाइनरी टू बेस 16, एंड सो ऑन। But one thing I've not explained you, that if, let us suppose you have a decimal number which is having some point value, how can you convert this decimal number into a binary combination? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, let me explain what I'm trying to say here. So we have two concepts. जो पहला concept था, the first concept I told you that if we have numbers like 1101.11 in base 2, then how can you convert into decimal? दिस थिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट वट इफ वी हैव अ नंबर लाइक 254.5, सो दिस इज इन बेस 10, एंड हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इंटू बाइनरी, इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको अब तक नहीं बताया है। सो इन दिस केस दिस 0.5, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कन्वर्टिंग दिस पार्ट इज़ वेरी ईजी, इसको कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है, बट I have not explained you how can you convert this 0.5. हम इस 0.5 को कैसे convert कर सकते हैं। So let me explain this step by step. Let us assume that you have a number which is 63.25. आपके पास number है 63.25, and this number is given in decimal. I want to convert this number in binary. हम इस number को decimal से binary में convert करना चाहते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, how can we do it? So in this case, we have to treat this part which is on the left hand side of dot separately and this part separately. हमें दोनों part को separately treat करना पड़ेगा। How can you convert this 63? आप 63 को कैसे convert करेंगे? So 63 is 1111, this is 63 in binary. इस तरीके से हम 63 को binary में represent कर सकते हैं। अब verify कर लीजिए, how can you verify? This is 1 into 2 raised to power 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 4। सो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, एंड इवन आई कैन यूज़ वन मोर 1, यहाँ पर एक और 1 आ सकता है बिकॉज आई हैव टू टेक टिल 2 रेस्ट पावर 5। सो दिस 1 विल बी फॉर 2 रेस्ट पावर 5। सो इफ यू एड ऑल ऑफ देम तो आपको पता चलेगा दिस 2 पावर 5 इज रिप्रेजेंटिंग 32, दिस 2 पावर 4 इज रिप्रेजेंटिंग 16, दिस 2 पावर 3 इज रिप्रेजेंटिंग 8, दिस 2 पावर 2 इज रिप्रेजेंटिंग 4, दिस 2 पावर 1 इज रिप्रेजेंटिंग 2, एंड दिस 2 पावर 0 इज रिप्रेजेंटिंग 1। सो यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम, सो 32 प्लस 8 इज 40,
16 plus 4 is 20, and then 2 plus 1 is 3. So 40 plus 20 is 60, 60 plus 3 is 63. So ye jo left wala part hai, converting this left part is very, very easy. Then how can you take this right part? I mean, how can you convert this 0.25 from decimal to binary? Hum isko decimal se binary mein kaise convert karenge? So to convert this 0.25 from decimal to binary, we have to start multiplying it by 2, because jo bhi yahan par base hai, whatever base it is, if it is base 4, then you have to start multiplying it by 4. If it is base 2, then you have to start multiplying this number by 2. What do I mean to say by this is, so this is 0.25, if you multiply it by 2, then it is going to be 0.50. okay, now take this 0, ab is 0 ka aap le sakte ho, and take this part. So next wala part aapke paas hai 0.50 multiplied by 2, this is going to be 1.0. Now ab aap check kar sakte hain, here after this dot we only have 0, aur dot se pehle ab aapke paas kya aaya yahan par 1. So you can write this in this format. I mean to say, if I have 0.25 in decimal, then in binary it can be represented as 0.01. hum is tarike se isko binary mein represent kar sakte hain. You can try to change it and you will find out it is 0.25. so in total, jo aapki total number hai, so this is 63.25 in decimal. This number in binary will become 1234560.01 in base 2. So is tarike se, so you can see 1234560, so 6 ones, 0.01 in base 2. In this way you can easily convert it. Let me take one more example. Main ek aur example yahan par leta hu. Let us assume that you have the number which is 197.125, and this number is given in decimal. I want to convert this number to binary. Hum is number ko binary mein convert karna chahte hain. What you have to do is take this left hand side, convert it separately, and take this right hand side and convert it separately. Dono part ko hum alag alag individually convert karenge. So if this is 197, so this is 197, I'm going to take 197 here, divided by 2, so 2 into 9 is 18, and here we have 17, so again 2 into 8 is 16, and remainder is going to be 1, so I'm going to get 98, remainder is 1. Again divide by 2, so here 2 into 4 is 8, and this is 49, and remainder is 0. Again divide by 2, so this 49, this is 24, remainder is 1. Again divide by 2, so this will be 12, remainder is 0. Again divide by 2, this will be 6, remainder is 0. Again divide by 2, this will be 3, remainder is 0. Again divide by 2, this will be 1, and remainder is 1. Okay, and then you can write in this manner. Agar aap isko is tarike se likhenge, I'm going to get 11000101, and this is in binary, and this binary is representing the number 197. ये नंबर 197 को रिप्रेजेंट करता है. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. सो दिस इज 2^0, दिस इज 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, दिस इज 2^6, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2^7. सो दिस 2^7 इज 128, दिस 2^6 इज 64, 2^2 इज 4, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 1. So add them, 128 plus 64, this is going to be 192, plus 5, that is going to be 197. So in this way you can convert the left part. And now take the right part. So the right part is 0.125. so because we have to convert in base 2, so I have to start multiplying this by 2. Hum isko 2 se multiply karna hai. So if you multiply 0.25 by 2, then you are going to get 0.250. आपको 0.250 यहाँ पर मिलेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस बिट. ओके, देन वी हैव 0.250. नाउ अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.50. अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस 0. अगेन वी हैव 0.50 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी 1.00. एज सून एज आई गेट दिस 0.00, आई कैन स्टॉप एंड आई कैन राइट इन दिस ऑर्डर. सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 0.001. this is 001, and this is in base 2. So in total the entire number is going to be like this. So this number is 197.125 in base 2. So if you in base 10,
if you convert this into base 2, so this is going to be 11000101.001 in base 2. So इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी वेरी ईजी, आप सभी के लिए काफ़ी ईजी होगा. बट वट इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू सम अदर नंबर सिस्टम, मे बी वी हैव 197.25 एंड आई वॉन्ट टू, और मे बी इंस्टेड ऑफ 0.25, ओके लेट्स टेक 0.25 फॉर सिंपलिसिटी. सो दिस इज इन बेस 10, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू बेस 4, दैट मीन आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू क्वीनरी नंबर सिस्टम. हमें इसको क्वीनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेक द लेफ्ट पार्ट, कन्वर्ट इट सेपरेटली. टेक द राइट पार्ट, कन्वर्ट इट सेपरेटली. लेफ्ट पार्ट को अलग से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट पार्ट को अलग से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो अगेन देयर आर टू मेथड्स, आपके पास दो मेथड्स है. पहला, द फर्स्ट मेथड इज कन्वर्ट दिस 197.25 इन बाइनरी. तो सबसे पहले इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, एंड फ्रॉम दैट बाइनरी यू कैन कन्वर्ट इट टू बेस 4, और यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट टू बेस 4 फॉर फ्रॉम दिस स्टेप. अब इसको बेस 4 में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस लुक एट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 197, एंड इफ यू डिवाइड बाय 4, सो 4 इंटू 4 इज 16, रिमाइंडिंग इज 37, सो 49 एंड द रिमाइंडर इज 1. अगेन डिवाइड बाय 4, सो इट इज 12, द रिमाइंडर इज 1. अगेन डिवाइड बाय 4, सो इट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 0. एंड देन यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, सो दैट मीन्स वी हैव 3011 इन बेस 4. सो दिस 3011 इन बेस 4 इज रिप्रेजेंटिंग 197 इन बेस 10. ये दोनों सेम है. You can also verify your answer. So this is 4 raised to power 0 plus this is 4 raised to power 1 plus this is 4 raised to power 3 multiplied by 3. So this is going to be 3 into 4 power 3 64 plus 4 plus 1. So 3 into 64. 3 into 64 kya hota hai aapke paas? What is this value? So 3 into 4 is 12 and then I have 1. So 3 into 1 is 3 into 6 is 18. So 192. This is 192. प्लस 5, दैट इज गोइंग टू बी 197. तो ये टोटल आपके पास 197 होगा. एंड यू कैन टेक द राइट हैंड साइड ऑल्सो. सो राइट हैंड साइड इज 0.25 मल्टीप्लाई इट बाय 4. सो इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 4, यू आर गोइंग टू गेट 1.00. एंड दिस 1 इज देयर, एंड इन दिस पार्ट वी ऑलरेडी हैव 0. सो दैट मीन दिस एंटायर नंबर विल बी 3011.1 इन बेस 4. इस पूरे नंबर को हम कुछ इस तरीके से बेस 4 में लिख सकते हैं. दिस इज वन मेथड. इस तरीके से आप इसको बेस 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. नाउ द सेकंड मेथड इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी, एंड फ्रॉम दिस बाइनरी यू हैव टू कन्वर्ट इट टू बेस 4. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस सेकंड मेथड हियर. सो इन दिस सेकंड मेथड वी हैव 197, राइट? सो 197 इन बाइनरी इज गोइंग टू बी 128 प्लस 64 plus I'm going to have 104, right? So 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, and this is again 2 to the power 5, this is 2 to the power 6, and this is 2 to the power 7. This is how 197 will be converted. And when we write this 0.25 ko kaise convert kar sakte hain? So we have 0.25 multiplied by 2, so you are going to get 0.50. again 0.50 multiplied by 2, you're going to get 1.0. So that means I'm going to get 01 in base 2. हम कुछ इस तरीके से इसको base 2 में convert कर सकते हैं. Now to convert this base 2 into base 4, अब इसको base 4 में कैसे convert करेंगे? Take combination of two bits. So these two bits are representing 1. These two bits are representing 1. These two bits are representing 0. And these two bits are representing 3. And these two bits are representing only 1. So you can see this is now in base 4. So base 4 में convert करने के लिए आप ऐसे convert कर सकते हैं. You can see both the answers are matching. तो इस तरीके से आप किसी भी binary number जो कि किसी भी decimal number जो कि point में given है, आप उसको directly binary में भी convert कर सकते हैं. I hope that you understood this. आपको ये समझ में आया होगा.